खुश आमदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूँ एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है, दैट इज़ द दिल्ली सल्तनत। बिफोर वी डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड दिस चैप्टर, आई वांट टू प्रोवाइड यू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब देख लीजिए, ये जो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत इज़ आल्सो नोन एज द स्लेवरी डायनेस्टी, आर सिंपली यू कैन से अलबरी डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, जो दिल्ली सल्तनत का जो दौर गुजरा है। सिंपली आपको ये अंडरस्टैंड करना है द पीरियड फ्रॉम 1206 एडी टू 1526 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज ए सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो आप देख लीजिए, 1206 से लेकर 1206 एडी टू 1526 जो है इज नोन एज द पीरियड ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली का पीरियड रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आवर 300 ईयर्स, फाइव डायनेस्टीज ऑफ 36 किंग्स रूल्ड इन दिल्ली। तो कम से कम जो है, ये लगभग ये पीरियड जो है, दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, ये कम से कम 300 साल तक रहा है सॉरी। और उसके बाद जो है, कम से कम इसमें 32 किंग्स आए हैं और उन्होंने जो है कंसिक्वेंटली दे हैव रूल्ड, उन्होंने जो है रूल यहाँ पे करा है। अब देख लीजिए, आप मंत्र एक मंत्र में आपको यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत को याद करने के लिए जो पूरी जो पांच डायनेस्टीज़ इसमें आई है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया जो दिल्ली सल्तनत जो है इसका पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1206 एडी से लेकर 1526 तक, और कम से कम इसमें 32 किंग्स आते हैं, और जिसका पीरियड जो रहा, इनका पीरियड जो है, फाइव डायनेस्टीज़ का पीरियड जो है वो कितना कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। अब देख लीजिए, वो मंत्र जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र क्या है आपका, आप यहाँ पे देख लीजिए, वो मंत्र जो है आपका देख लीजिए, ये मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पे, आप देख लीजिए, आई के इक टी ई आर ए, तेरा सहारा सहारा लोदी। अब देख लीजिए, इसको हम कैसे याद करेंगे, दिल्ली सल्तनत के पीरियड को हम कैसे याद करेंगे, और कौन कौन से ऐसी डायनेस्टीज़ और किसके बाद कौन सी डायनेस्टीज़ आई है। अब देख लीजिए, आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है अलबरी डायनेस्टी, या इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। अब देख लीजिए कि जब अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, या जो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि लोगों को जो है एज ए गुलाम खरीदा जाता था, और उसके बाद इसी तरह से इसको अलबरी डायनेस्टी इस बेस पे कहा गया है, स्लेव डायनेस्टी इस बेस पे कहा गया है, क्योंकि ये मतलब स्लेवरी एक डायनेस्टी थी, क्योंकि गुलामों को हिंदुस्तान में नाइब बनाकर, गवर्नर बनाकर, सब ऑर्डिनेट बनाकर भेजा गया था, इसलिए वी कॉल्ड दिस एज ए स्लेवरी डायनेस्टी या अलबरी डायनेस्टी इसको हम कहते हैं। देखो, आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है अलबरी डायनेस्टी, क्या होता है अलबरी, बी ए अलबरी डायनेस्टी। और अगर हम बात करेंगे कि इसी को हम लोग जो है स्लेवरी डायनेस्टी भी कहते हैं। अब देख लीजिए, एक तेरा सहारा लोदी, एक तेरा सहारा लोदी है, तो आई फॉर क्या होता है अलबरी डायनेस्टी, के फॉर क्या होता है खिलजी डायनेस्टी, एंड तेरा मीन्स क्या है आपका जो है तुगलुक डायनेस्टी, उसके बाद सहारा होता है सईद डायनेस्टी, एंड द लास्ट वन इज योर दैट इज जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोदी, ये क्या है, ये लोदी डायनेस्टी है। सिंपली मैं आपको अगर आपको बताता चलूं, देख लीजिए दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो कम से कम 300 ईयर्स रहा है, जिसमें 32 किंग्स हैं, और मैंने आपको बताया कम से कम फाइव डायनेस्टीज आई है, जिसमें मैंने आपको एक मंत्र बताया, एक आई के एक टी ए आर ए, तेरा सहारा एस ए एच ए सहारा लोदी, यानी कि आई फार क्या है आपका, आई फार यहाँ पे है आई अलबरी डायनेस्टी, या इसी को हम लोग जो है पुकारते हैं स्लेवरी डायनेस्टी भी कहते हैं, एंड के फॉर क्या होता है खिलजी डायनेस्टी, एंड टी फॉर क्या होता है तुगलुक डायनेस्टी, एस फॉर क्या होता है सईद डायनेस्टी, एंड द लास्ट वन इज दैट इज लोदी, लोदी मीन्स क्या होता है लोदी डायनेस्टी होता है। अगर हम इस इनके पीरियड की बात करेंगे, जो फाइव डायनेस्टी जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत में, जो ओवरऑल जो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो स्लेवरी या अलबरी डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। अगर हम बात करेंगे द खिलजी डायनेस्टी की, जो खिलजी डायनेस्टी
डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। उसके बाद अगर हम तुगलुक की डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। उसके बाद अगर हम सईद डायनेस्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पीरियड रहा है 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लोदी डायनेस्टी के बारे में तो लोदी का जो पीरियड रहा है द लोदी डायनेस्टीज़ पीरियड जो रहा है वो 1451 से लेकर 1526 के तक रहता है, और जिसके बाद जो है मुग़ल बाबर जो है एंट्री हमारे हिंदुस्तान में मारते हैं और उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल अम्पायर का मुग़ल किंगडम का जो दौर शुरू होता है। तो सिंपली आपको इसमें यही करना है 1313 सहारा लोदी द अलबरी डायनेस्टी द खिलजी डायनेस्टी द तुगलुक डायनेस्टी द सईदी डायनेस्टी द लोदी डायनेस्टी इसमें हम यही बात करेंगे। अगर मैं आपको बताता चलूँ अगर हम अलबरी डायनेस्टी या स्लेवरी डायनेस्टी का जो पीरियड है वो मैंने आपको क्या बताया 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। अगर हम इसमें रूलर्स की बात करेंगे कुतुबुद्दीन अबेक रहा है, एरम शाह रहा है, शमसुद्दीन अल्तुमुश रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहा है, रजिया सुल्तान रही है, मुइज़ुद्दीन बैरम शाह रहा है, अलाउद्दीन मसूद शाह रहा है, नासिरुद्दीन रहा है, ग्यासुद्दीन बलबन रहा है, और काईकुबार जो लास्ट है जिसको हम पढ़ते हैं काईकुबार जो है दिस इज़ द लास्ट रूल ऑफ दी अलबरी आर द स्लेवरी डायनेस्टी। उसके बाद अगर आप लोग खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे जिसका पीरियड जो है वो 1290 से लेकर 1320 तक रहा है, जिसमें जो है जलालुद्दीन खिलजी रहा है, अलाउद्दीन खिलजी रहा है, शाहबुद्दीन उमर रहा है, मुबारक शाह रहा है और नसीरुद्दीन रहे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तुगलुक डायनेस्टी की जिसमें हमारा जो है ग्यासुद्दीन तुगलुक रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलुक रहे हैं, उसके बाद फिरोज शाह तुगलुक रहे हैं, ग्यासुद्दीन तुगलुक रहे हैं और अबू बकर शाह जो है ये रहे हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद वो भी रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तुगलुक डायनेस्टी की उसके बाद सईद डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे जिसमें खिजर खान मुबारक शाह मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन रहते हैं। उसके बाद द लास्ट वन इज़ जो छोटी सी डायनेस्टी लास्ट दौर में रहती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो जिसका पीरियड जो है 1451 से लेकर और 1526 तक रहती है, उसमें हमारा क्या है बहु लोदी होता है, सिकंदर लोदी होता है एंड एरम लोदी इब्राहिम लोदी रहता है। तो ही वाज द लास्ट अम्पायर और सिंपली यू कैन से लास्ट रूलर ऑफ द लोदी संधि। अब एक बार मैं फिर आपको दोहराऊंगा, देखो सबसे पहला हमारा होता है 1313 सहारा लोदी द अलबरी डायनेस्टी या स्लेवरी डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, उसका पीरियड जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। उसके बाद जो है दूसरी है दैट इज खिलजी डायनेस्टी, द पीरियड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। अगर तुगलुक उसके बाद तुगलुक 13 जो है तुगलुक डायनेस्टी का जो पीरियड है 1320 से लेकर 1413 तक रहा है। उसके बाद सईदी डायनेस्टीज की अगर हम बात करेंगे उसका पीरियड जो है 1414 से लेकर 51 तक रहा है। उसके बाद द लास्ट वन डायनेस्टी आर सिंपली यू कैन से द लास्ट दिल्ली सल्तनत जो रही है वो है आपके पास लोदी डायनेस्टी जिसका पीरियड जो है 1451 से लेकर 1526 एडी तक रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया कि कौन कौन डायनेस्टी इसमें रही। आप देख लीजिए यहाँ पे इन दिस चैप्टर इन चैप्टर सेकंड वी सॉ द रीजन्स लाइक द कावरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम। आप देख लीजिए जब हमने व्हेन वी हैव डिस्कस द सेकंड चैप्टर एट द टाइम वी हैव फाउंड द कावरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं जो राष्ट्रकूटा जो है जिसने बाकी पालास को चोलास को हराने के बाद जो है वो एक लार्ज किंगडम किस रीजन में रही, किस इलाका और किस टेरिटरी में रह रही थी, वो जो है जैसे हमने राजस्थान की बात करी, गुजरात की बात करी, इस एरियाज में जो है लार्ज जो कावेरी डेल्टा है इस पे जो है काफ़ी जो है मतलब कि मजबूत लार्ज तौर पर उसमें इसी यही सेंटर पाया गया कावरी डेल्टा। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद द दिल्ली एज इट्स कैपिटल। और हमने जब वो चैप्टर डिस्कस कर रहा था उसमें हमने दिल्ली को कैपिटल नहीं देखा था, उसमें मेंशन नहीं करा था उनकी किंगडम में उनकी अलग राष्ट्र कोटास की पालास की चौलास की जो थी उनकी अलग अलग क्या 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 थी किंगडम्स थी। दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी
ओनली इन द 12th सेंचुरी। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द दिल्ली जो है वो 12th सेंचुरी में यानी कि 12वीं सदी में जो है दिल्ली की इम्पॉर्टेंट एक सिटी बन गई। उससे पहले जो था उसका उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं थी। अगर हम बात करेंगे जब हमने पढ़ा था द न्यू किंग्स एंड उन और उनकी किंगडम्स के बारे में, जिसमें हमने चोलाज के बारे में पढ़ा था, आवर व्यू पढ़ा था, ओवरऑल उतना नहीं पढ़ा था, पालाज के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटास जो है जो एक बहुत बड़ी पावरफुल किंगडम वजूद में आती है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, टेक ए लुक एट टेबल वन, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द टोमौरा राजपूत। अब देख लीजिए दिल्ली, अगर हम जो मैप आपके सामने दिखा गया है यहाँ पर अगर आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, ये पहले क्या था, दिल्ली जो थी ये किस में थी, दिल्ली जो थी आपकी, दिल्ली जो है ये किसका है, दिल्ली जो आपकी है ये किसकी कैपिटल थी, टोमौरा राजपूत के अंडर में आती थी। हु वर डिफीटेड, जिसको हराया गया था, डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, जिसको हम आल्सो रेफर्ड टू एज ए, जिसको हम चाहमानाज ऑफ अजमेर भी कहते हैं। अब देख लीजिए ये जो टोमौरा राजपूत जो है जिसको हराया था 1200 में, किसने हराया था, चौहान्स ने हराया था, पृथ्वी राज चौहान की अगर हम बात करेंगे और उसकी डायनेस्टी को या उनके रूल्स को, उसके राज जो उसका जो राज जो था उसका हम, या उसकी डायनेस्टी को हम चाहनामाज के नाम से भी पुकारते हैं, जिनका जो है वो कहाँ पे थे, अजमेर में थे। आप देख लीजिए, इट वाज अंडर द टोमौराज एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। आप देख लीजिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चाहनामाज या चौहान्स के दौर में और टोमौराज के दौर में जो है दिल्ली जो है ये एक कॉमर्शियल माशियत के लिहाज से एक अहम सेंटर बन गया। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कॉन्स्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। आप देख लीजिए जैना मर्चेंट्स जो थे वो जो है इस सिटी में दिल्ली में रहने लगे और बहुत सारे मंदिर वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट करे गए। कॉइन्स मेंटेड हेयर, कॉइन्स जो है रुपया पैसा बनाया गया उसको जो है पब्लिश करने लगे यानी कि कॉइन्स बनाने लगे। कॉल्ड जिसको क्या कहा जाता था, दिल्ली वॉल हैड ए वाइड सर्कुलेशन, जिसको दिल्ली वॉल कहा जाता था, जो कॉइन्स वहाँ पर तैयार किए जाते थे उनको कहा गया है दिल्ली वॉल हैड ए वाइड सर्कुलेशन, और पूरी दिल्ली में जो है इसी तरह की जो कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट होते थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कंटिनेंट। अब देख लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हो गई, जब दिल्ली इनटू कैपिटल हो गई, जो वास्ट एरियाज जब सब कंटिनेंट जो थे इन्होंने ऑफ द सब कंटिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब देख लीजिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल, और जब ये दिल्ली जो है ये कैपिटल बन गई और काफ़ी तौर पर, वसी तौर पर काफ़ी एरिया जो है इस बारे आज़म के अंडर में जो है अब आ गया। अब उन्होंने इसकी फाउंडेशन जो दिल्ली सल्तनत जो है उन्होंने जो है 13th सेंचुरी में जो है अपनी फाउंडेशन डाली, यानी कि द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड बीन स्टार्टेड फ्राम द व्हाट वी हैव टॉक द लास्ट मोमेंट जो मैंने आपको बताया था 1206 से कर और 1526 था, यानी कि 13th सेंचुरी में जो होता है ये काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाती है, काफ़ी जो है ये इनकी इसकी शुरुआत होती है। टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टूगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। अब देख लीजिए जो मैंने आपको पहले बताया, 1 13 सहारा लोधी अलबरी डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, 13 तुगलक डायनेस्टी एंड सहारा सईदी डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टीज़ के बारे में आपको मैंने बताया। अब देख लीजिए उसके बाद जो है द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरियाज दैट वी नो नोन एज दिल्ली एट मेपन एंड लोकेट दिल्ली ए खान कोना शिरी एंड जनपना, जिसको हम जहाँपना, ये सॉरी ये क्या है, ये जहाँपना है, तो इसको हम जैसे शिरी को और जहाँपना को जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ये जो है नई नई चीज़ें वजूद में आ गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आपका पीरियड दिया गया है, तो मैंने आपको सिंपली आपको क्या बताया, 1 13 सहारा लोधी, 1 13 सहारा लोधी, आई फॉर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना अर्ली टर्किश रूलर्स, इसी को हम लोग जो अर्ली टर्किश रूलर जो है इसको हम लोग कहते हैं अलबरी डायनेस्टी, या इसी को हम लोग कहते हैं स्लेवरी डायनेस्टी, जिसका पीरियड जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए आप, एक आई के क्या है, एक
अब एक बार फिर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा पहले से लिखा है आई के एक एक, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी रही है 1290 से लेकर 1320 तक, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जिसको हम 13 पढ़ते हैं 1320 से लेकर 1440 तक, उसके बाद सईदी डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे 1414 से लेकर 1451 तक, उसके बाद लोधी रहती है। तो थोड़ा सा हम पीरियड जो है राजपूत डायनेस्टीज का, जिसको मैंने आपको क्या बताया टुमाराज है, अंगापाला है, चौहान है, और पृथ्वीराज चौहान को जो है थर्ड बैटल ऑफ में जो है, यानी कि जो तीसरी लड़ाई जो थी, यानी कि दूसरी या तीसरी, इसमें जो है पूरी तरह से जो है मतलब किन लोगों ने हराया था, कुतुबुद्दीन, परहैप्स कुतुबुद्दीन अबेक ने ही हराया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपको टेबल जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब जो है अब हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में मालूम करना, अब हम पता करेंगे ये दिल्ली सल्तनत किस तरह से वजूद में आ गई। अब देख लीजिए ऑल दो इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर चे हमारी नक्शबंदी जो कुछ भी हमका स्टोन्स के ऊपर जो लिखा गया था, जो पत्तों के ऊपर, जो बड़े बड़े प्लेट्स के ऊपर लिखा गया था, या कॉइन्स के ऊपर, ये कॉइन्स किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, ये कॉइन्स किस बादशाह की है, या जो भी फन तामीर, उनको जो है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मुहैया करता है। लेकिन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरियंस, आप देख लीजिए जो तारीख जो है स्पेशली वैल्यूएबल आर इन द हिस्टोरियंस, जो उनकी कहानियाँ ओवरऑल इतिहास लिखा गया है, जिसको हम लोग तारीख सिंगल में कहें, तवारीख प्लूरल में कहेंगे, रिटन इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत ओवरऑल जो भी टेक्स्ट जो है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जिनके तहत जो है हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है जानकारी हासिल की, तो ओवरऑल टेक्स्ट जो था वो पर्शियन में था। अब यहाँ पे आप दो लोग देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे लिखा है फोर स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट, फोर स्टेजेस है प्रिपेयरिंग द पेपर, राइटिंग द टेक्स्ट, मेल्टिंग गोल्ड, उसके बाद आपने क्या करा प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। तो किस किस तरह से यहाँ पे ये जो दिखाई गई है, सबसे पहले उन्होंने क्या करा पेपर को किस तरह से हाथ से लिखा गया पेपर के ऊपर, उसके बाद देख लीजिए पेपर बनाएगा, पेपर के बाद आप लोग आगे बढ़िए कि राइटिंग द टेक्स्ट और मेल्टिंग गोल्ड जो भी कॉइन्स थे उसको कैसे करा, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ा। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन, और जो ये तवारीख लिखते थे, जो इतिहास को लिखते थे, ये शाही दरबार में ये जो लोग होते थे ये काफ़ी लर्निड होते थे, सीखे हुए होते थे। एंड सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉइट्स एंड कोर्टियर्स वर दोज पर्सन जो शाही दरबार में होते थे, हु बोथ रिकॉन्टेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर ऑन गवर्नर्स एम्पीसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। अब देख लीजिए ये जो शाही दरबार में ये लोग जो होते थे, तारिकदान होते थे, सेक्रेटरीट होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पॉइंट्स होते थे, कॉन्टियर्स होते थे, और ये जो है जो भी इवेंट्स होते थे उसको बयान करते थे, उसको लिख कर रखते थे, और वही उसी तरह से जो है जो भी यहाँ पे रूलर्स होते हैं उनको काम करने के लिए, यानी कि एम्पिसाइज करते थे कि आपको किस चीज़ की तरफ आपको है फौरी तौर पर जो है एकदम उठाने चाहिए, फौरी तौर पर जो है किस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है। उसके बाद आप देख लीजिए कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब इस ये जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई इसके बारे में आपको जहन में बिठा के रखे। द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़। अब देख लीजिए जो तवारीख लिखते थे वो ऑथर कहाँ पे रहते थे, मेनली इन दिल्ली में रहते थे, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस में कोई नहीं रहता था। जो लोग तारिकदान थे दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज फॉर द सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। सो इस बेस पर ये लिखते थे क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जो है उसके रिवार्ड दिए जाए, किसके द्वारा जो आपका सुल्तान होता था वो दे देंगे। दीज ऑथर एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब देख लीजिए ये जो ऑथर्स होते थे ये एडवाइस करते थे रूलर्स को कि किन किन मिसाली नमूनों को हमको जो है प्रिजर्व करके रखना है, नई एक जो है नई ब्राइट राइट के लिए, और जेंडर डिस्टिंक्शन है तमीज़ या जो कुछ भी फर्क यहाँ पे दिखता है उसका हम कैसे करेंगे। डियर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, और ये आइडियाज जो है हर एक के साथ नहीं शेयर्ड किए जाते हैं। अब देख लीजिए बर्थ राइट क्या होता है, बर्थ राइट होता है प्रिविलेजेस, यानी कि तमाम हुकूक दिए जाते हैं, क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, जो बर्थ के आपके अकाउंट है उसको पूरे
उसका हिसाब किताब रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गॉन बिकॉज दे वर बर्न इन सर्टेन फैमिली। अब देख लीजिए बर्थ राइट क्या था, यानी कि ये जो है ये बड़ी फैमिली में पैदा हुआ है और इसी का हक जो है ये जो है मतलब हेरिड विरासत में ही इसको बादशाह जो है वो मिल गई। अब जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन द वुमेन और जो वुमेन और मैन के दरमियान में जो फ़र्क था। यूजली दीज डिफरेंसेज आर यूज टू आर्ग्यू That men are superior to women, उस दौरान में दिखा गया है। इन 1236 सुल्तान अल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान बिकेम सुल्तान। अब देख लीजिए रजिया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो रजिया सुल्तान का जो पीरियड है, द रजिया सुल्तान का जो पीरियड रहा है, जो सुल्तान अल्तुतमिश की जो डॉटर थी उसका पीरियड जो है रजिया सुल्तान का रहा है 1236 से लेकर 1240 तक उसका रहा है। लेकिन उसको उस बेचारी के ये तमाम जो थे, क्योंकि लेडीज़ को उस वक़्त भी कर्टेन सिस्टम था, ये वो था धर्म जो मतलब मजहबी तौर पर जो है उनको प्रॉपर्टी नहीं था लेकिन समझा जाता था, तो उसको काफ़ी तौर पर जो है कॉन्सिफ्रेसिस करने के बाद उसको हटा दिया गया। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। और इसके जो ब्रदर्स थे, आप देख लीजिए अगर हम बात करेंगे इसके जो रजिया सुल्तान के जो बाग थे, जैसे हम करेंगे इसका जो था जैसे मुइजुद्दीन था, अलाउद्दीन था, नसीरुद्दीन था, गयासुद्दीन था या रुकनुद्दीन था, शमसुद्दीन, ये जो पहले इसके ब्रदर्स जो थे ये जो थे ये काफ़ी मतलब इनसे ये काफ़ी क्वालिफाइड थी, मतलब ये उनसे तेज़ थी, इसके सलाहियत रखती थी हुकूमत करने की, उसके ब्रदर्स में उतना मतलब वो लोग जो है उतना इलम नहीं रखते थे। बट ही वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर। तो वो बेचारी जो है वो मजबूती तौर पर जो है कम्फर्ट नहीं रह सकी एज ए क्वीन एज ए रूलर। नर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटैम्प्ट टू रूलर इंडिपेंडेंटली। और बाकी भी जो भी रूलर्स थे वो जो नोबल्स जो थे वो पूरी तरह से कोशिश करते थे कि इसका इंडिपेंडेंट रूल नहीं होना चाहिए। शी वॉज़ रिमूव्ड फ्राम द थ्रोन इन 1240 में जो है इस बिचारी को हटा दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए फ्राम गर्शन टोन टू अम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, अब देख लीजिए फ्रॉम गर्शन टोन टू अम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब देख लीजिए गर्शन क्या था, गर्शन वो पार्ट होते थे, अगर हम नीचे देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गर्शन टोन क्या होता है, ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स, जहाँ पे जो होता है साइली के पीछे या दरियाओं के करीब जो है जो वहाँ पे जो है वो जगह जो है मखसूस तौर पर वहाँ पे किले बनाए जाते थे, फोर्टिफाइड करा जाता था, जहाँ पे फौज रखी जाती थी। उसके बाद आपका क्या है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या था, हिंटरलैंड और दोज एरियाज जिसको हम लोग किला कहते हैं, किला बंदी कहते हैं वगैरह की हिफाजत के लिए, जैसे द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी आर ए पोर्ट दैट सप्लाई इन विद गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है। देखो सिंपली आपको गर्शन क्या था, गर्शन वार दोज एरियाज विच आर अलॉन्ग साइड दी रिवर्स होते थे, दरियाओं के साहिली के किनारों पे होते थे और जहाँ पे जो है स्पेशली ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद दी सोल्जर, जहाँ पे सोल्जर्स को फोर्टिफाइड उन किलों में जो है सिर्फ सोल्जर को ही रखा जाता था। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है, ये भी किला होता था लेकिन जहाँ पे क्या करते थे, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को जो है पूरी तरह से सप्लाई तौर पर उस उन पोर्ट में रखा जाता था। अगर हम बात करेंगे इन दी अर्ली सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टिफाइड टोन्स ऑक्युपाइड बाय द ग्रेशंस। अगर हम आगाज जो शुरुआती जो है 13वीं सदी के जो आगाज जो उनकी सेंचुरी होती है दिल्ली सल्तनत की जो सदी होती है उनके कंट्रोल में जो होता है, मतलब काफी तौर पर इन्होंने क्या करा था, काफ़ी तौर पर जो है हैवली फोर्टिफाइड करा था, यानी कि बहुत किलाबंदी करी थी और बहुत सारे किले जो थे उन्होंने बनाए थे। द सुल्तान सेल्डम अक्सर जो सुल्तान होते थे कंट्रोल द इन इन द हिंटर लैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड ट्राइब्यूट एंड प्लंडर फॉर द सिप्लाइज। अब देख लीजिए ये लोग क्या करते थे, इनका सुल्तान जो लोग होते थे ये अक्सर उनका कंट्रोल उन साहली इलाकों पर होता था जहाँ पर वो लोग क्या करते थे अपनी फौज को रखते थे और वहाँ
वहाँ से उनको जो है ट्रेड करना, उनका इजहार अकीदत प्लंडर लूट मार करना फॉर सिप्लाइज, और वहीं से वो लोग जो है सिप्लाइज वगैरह करते थे, तो ये जो है उनके लिए जो था जो हिंटर लाइन था वो काफ़ी फायदेमंद रहता था। उसके बाद कंट्रोलिंग ग्रेशन, कंट्रोलिंग ग्रेशन टोन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्राम डेली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देख लीजिए इन ग्रेशन एरियाज पे, जो ग्रेशन एरिया जो थे जो साहली इलाकों पे थे, सिंपली आप करिए जो दूर था बंगाल के, बात अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी कि बंगाल जो था काफ़ी दूर था जो इस साइड में है, एंड सिंध में यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत को काफ़ी मतलब इस पे कंट्रोल करना जो था काफ़ी मुश्किल होता था। रिबलन वार इवन बैड वेदर कॉल्ड वेदर वेदर कुड स्नेप फ्रेगल कम्युनिकेशन रूट्स। अब देख लीजिए जो लोग बगावत पे उतरे थे, जो लोग जो है सरकश हो गए थे, जो लोग मतलब इनके खिलाफ जो है बगावत का जो वो हो रही थी वहाँ पे, और वेदर की जो कंडीशन थी जो अचानक जो थे मतलब वहाँ पे काफ़ी जो था इनको जो है नुकसान होता था, ठीक है, तो काफ़ी तौर पर जो है यहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था गैर यकीनी तौर पर, यानी कि यहाँ पे जो था इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती थी गैर यकीनी तौर पर, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्नेप फ्रेगल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी वो टूट जाता था। दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ द सल्तनत सुल्तान्स वीकनेस। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अब मंगोल्स जो हैं दिल्ली सल्तनत को सबसे बड़ी जो चैलेंज थी वो मंगोल्स के हमलों की थी जो अफगानिस्तान से उनको कर रहे थे, और उसके अलावा जो गवर्नर्स जो उसके जो गवर्नर्स थे दिल्ली सल्तनत के वो भी सरकश थे, वो आराप कर रहे थे, वो लोग जो थे बगावत पे उतरे थे, दंगा फसाद पे उतरे थे, सरकशी कर रहे थे, कौन उसकी प्रॉब्लम भी जो थी जो जिसकी वजह से सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे वो कभी वो जो है दिन ब दिन जो है कमज़ोर होते गए। द मेन प्रॉब्लम वाज द इन्वेजन ऑफ द मंगोल्स एंड आल्सो दोज पीपल दैट दोज गवर्नर्स हु हैव रेबल अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत, द सल्तनत बारली सर्वाइव्ड। अब देख लीजिए सल्तनत जो थी इसको किस तरह से बचाया जा, बागियों से किस तरह से बचाया जा सकता था, दीज चैलेंजेस इट्स कंसोलिडेट अकर्ड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब देख लीजिए गयासुद्दीन बलबन जो है, अब देख लीजिए किस दौर में है, अब देख लीजिए दिल्ली सल्तनत क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी, दिल्ली सल्तनत और फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेजन एंड द अटैक ऑफ द मंगोल्स एंड द रेबल्ड एंड द रेबलेंस हु हैव अगेंस्ट द दोज गवर्नर हु हैव रेबल्ड अगेंस्ट द सल्तनत, वो ये इस चीज़ को इस चीज़ के इस इनसे वो लोग जो थे ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था उनको, और जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है वीक हो रही थी। अब सल्तनत को किस तरह से बचाया जा सके इस सरकशी की तरह से, जो बागी हाकिम जो हो चुके हैं उनकी चैलेंजेस को किस तरह से जो है अच्छी तरह से जो है यानी कि दिल्ली सल्तनत को बचाया जा सके। अगर हम बात करेंगे इफ़ यू टॉक अबाउट द गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन आपने देखा जो गयासुद्दीन बलबन जो के जो पीरियड है उसमें थोड़ी बहुत जो है क्या हो जाता है, गयासुद्दीन बलबन के दौर में क्या हो जाता है ये दिल्ली सल्तनत जो है वो थोड़ी बहुत मजबूत हो जाती है। अब गयासुद्दीन बलबन का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1265 से लेकर 1287 तक रहा है, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये अलबरी और स्लेवरी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसके बाद देख लीजिए आप फर्दर एक्सपेंशन किस तरह से बढ़ जाते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका पीरियड जो है 1296 से लेकर 1316 AD तक रहा है, और ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड जो है 1325 से लेकर 1351 तक रहा है, किसका पीरियड रहा है अलाउद्दीन सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का। आप देख लीजिए यहाँ से मंगोल्स का सामना, और वो लोग जो मतलब रेबल्ड हो चुके थे, वो गवर्नर जो रेबल हो चुके थे, जो रेबल्ड कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे, जो यहाँ पे हुकूमत थी किनकी हुकूमत थी, दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर दिन ब दिन कर रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फदर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में जो है थोड़ा बहुत जो है
कि दिल्ली सल्तनत फरोग मतलब जो है मजबूत होने लगी। द फर्स्ट सेटअप ऑफ कैंपेन्स, आप देख लीजिए कैंपेन्स क्या होता है, पहला सेटअप जो कैंपेन्स का करा, जंग का करना जो हो गया, मैदान जार जो कया पहली, अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटल जो अंदरूनी हिस्से थे वहाँ पर उन्होंने जंग का करा, जंग को शुरू करा। ऑफ द सल्तनत एम डेट कंसुलेट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड हिंटरलैंड ऑफ द ग्रेशन टोन्स, आप देख लीजिए सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत ने उन एरियाज पे वहाँ पे जंग करना जो है सेटअप कर दिया, जो इंटरनल एरियाज थे सल्तनत का ये एम था कि इंड हिंटर लैंड जो है द एरियाज विच हैज़ फोर्टिफाइड आर ओनली जो सोल्जर्स जहाँ पे रह रहे थे जो ग्रेशन टोन थे उनको हम सबसे पहले जो है उन टोन्स को हम किस तरह से उन किलों को हम किस तरह से मजबूत करें ठोस बनाएं। ड्यूरिंग दिस कंपेन्स इस जंग के दौरान फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया, एंड डोब एंड हंटर गैदर्स एंड पेस्टलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स, और वो लोग जो वहाँ पे खाना बदोश की जिनकी बसर कर रहे थे उनको जो है वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से निकाला गया, जिनकी रोजी रोटी जो गिला बांछे जो गडेरिया थे वहाँ पे रह रहे थे उनको, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आप देखो एरियाज में वहाँ से मंगोल जो थे हमला कर रहे थे, वहाँ पर जो थे जो बाकी जो रेबल हो चुके थे जो लोग जो गवर्नर्स रेबल हो चुके थे जो सरकशी कर रहे थे जो है बगावत कर रहे हैं इस दिल्ली सल्तनत के ख़िलाफ़, अब जो है पहला स्टेप जो है कैंपेन्स जो है जिसको कहा जाता है जंग करना, उन्होंने क्या करा इंटरनल तौर पर पहले मजबूत करा अपने एरियाज़ को। दीज लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स, और उन एंड जो एरिया जो थी गंगा और यमुना की अगर हम बात करेंगे जिसको डोब कहा गया, इन लैंड्स को किन को दिया गया, किसानों को दिया गया, एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज और खेती बाड़ी को जो है उसका एनकरेजमेंट करा गया। न्यू फोर्ट्रेसेस ग्रेशन टोन्स एंड द टोन्स वर एस्टेब्लिश, और नए किले और नए जो है फौजी किले जो है फौजी छावनियाँ जो है किले छावनियाँ जो है वो बनाई गई, किले बनाए गए और नए जो है एंड टोन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड्स। आप देख लीजिए नए टोन्स बनाए गए उनको एस्टेब्लिश करेगा जहाँ पर जो है ट्रेड सिस्टम जो था जहाँ पर मतलब तिजारत वगैरह को उसको जो है प्रोटेक्ट करा गया, तहफ़ फरम कराया गया, एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, और रीजनल ट्रेड जो था उसको जो है उसको भी बढ़ाया गया। उसके बाद आप लोग देख लीजिए दी सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट कैंपेन हमने पढ़ा, उसके बाद आप लोग देख लीजिए दिस सेकेंड। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है कंट्रोलिंग, ये भी हमने पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा सॉरी अब देख लीजिए यहाँ पे इनहेबिटेंट द लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स। द सेकेंड एक्सपेंशन, आप देख लीजिए जो द सेकेंड एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन क्या होता है आप अपने मतलब जो है इसको फिर बढ़ा। द सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल, पहले उन्होंने क्या करा इंटरनल एरियाज को कवर करा, किस तरह से कवर करा, अब वो एक्सटर्नल कर रहे हैं। आप द सुल्तनत मिलिट्री एक्सपेंडिशन, मिलिट्री की जो मुहिम जो है उसके मकसद मुहिम जो है उसको बढ़ाएगा इनटू द सदर्न इंडिया एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो है फौजों की जो मुहिम है उसको जारी करा एक्सटर्नली तौर पर साउथ इंडिया की तरफ जो है उसको जो है स्टार्ट करा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और उसके बाद जो है इसी जंग को जो है इसको कल्मिनेट करा गया, इसी को एहतमाम और अंजाम को पहुंचाया, किसने पहुंचाया तुगलक ने। तो हमने पहले कहा ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और द लास्ट वन इज आर दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसको सरंजाम बनाया। इन दियर कैंपेन्स, उसके जंगों के दौरान सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल, और इस दौरान जो है इनके हमलों के दौरान इसकी जंगों के दौरान इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं हाथियों को घोड़ों को और गुलामों को जो है उनको कब्जे में ले लिया, उनको अपना गुलाम बनाया, और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे कीमती जो है मेटल्स वहाँ पे लाए। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के रैंक जो हुकूमत होती है जो बादशाह होती है उसके खात्मे आखिर जो एंड होने के बाद 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग्स द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्चड अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ सब करने, और उसके बाद 150 सालों के बाद somehow after somewhat किस भी तो मतलब जो भी उनको जो है आई सब मतलब जो भी प्रॉब्लम आ गई और हम्बल बिगनिंग्स उनकी स्टार्ट होती है, उनकी आर्मीज की स्टार्ट होती है और पूरी तरह से वो इस सब कॉन्टिनेंट में फैल जाते हैं। दे हैड डिफीटेड रेवल आर्मीज, उन्होंने जो है जो लोग
रिलियम करें, जो रेवल आर्मीज़ जो थे उसको, उन एरियाज़ को, मतलब जो लोग एनहराप, वो आर्मीज़ जो हरीफ अफवाज जो थी, जो मतलब जो रेबल कर रहे, जो बगावत पे उतरे थे, जो है सरकश हो चुके थे दिल्ली सल्तनत के, उनके खिलाफ जो है उनको डिफीट करा, उनके एरियाज़ को सीज करा गया। द सुल्तान कलेक्टेड टैक्सेस फ्राम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियलम। सुल्तान जो था वो पेजेंट्रू से क्या है, जो किसान लोग थे उनसे टैक्स हासिल करता था और उनको जो है पूरी तरह से उनको तकसीम जो कुछ भी इंसाफ था वो उनको दे देता था। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल आवर सच ए वेस्ट टेरिटरी। तो किस तरह से उन्होंने जो है ये असरअंदाज रहा और किस तरह से उन्होंने जो है ये पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट में दिल्ली सल्तनत ने करा। अब देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे मस्जिद क्या होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये मस्जिद है जिसको हम कवातुल इस्लाम मास्क एंड मिनरेट्स, यहाँ पे जो है किस तरह से गुम्बद बनाए गए हैं। अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल, अब देख लीजिए मस्जिद क्या होता है, ये एक अरबी वर्ड होता है, लिटरेसी लिटरली वो प्लेस होती है जहाँ पे मुस्लिम जो है सजदा करते हैं अपना अदब व एहतराम से अल्लाह को, और यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, इन ए कॉन्ग्रेगेशनल और मजहबी मजालिब यानी कि बाजमात यहाँ पे एहतराम से वो लोग जो है इस मास्क में नमाज़ पढ़ते हैं। तो यही है आपको और आप लोगों को पता है, हम लोग जो है हमारा किबल जो मुसलमानों का जो किबला होता है वो अरब की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे यहां पे हम वेस्ट की तरफ जो है अपना क्या कहते हैं किबला किबले की तरफ जो है नमाज पढ़ते हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत बिल्ट सेवरल मास्क, आप देख लीजिए अलग अलग, इसी को हम लोग कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो देखो ये मैं इसलिए तस्वीरों को थोड़ा बहुत आपको नोटिस करने की के लिए स्ट्रेस दे रहा हूं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कि देख लीजिए उनका आर्ट एंड कल्चर, उनका जो है मतलब आर्किटेक्चर सिस्टम किस तरह था, उसका फन तामीर वो किस तरह से करते थे और कौन कौन जो है एरियाज उन्होंने यहां पे मतलब कहां पे कौन कौन सी चीज बनाई। ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड द तुगलक डायनेस्टी, और किस तरह एक क्लोजर लुक आप मुख्तसर तौर पर इस पे हम देखेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और किस तरह से खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी से डायनेस्टी जो है वो एक मजबूत बन गई। अगर हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज ए वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख लीजिए मजबूत यानी कि इस हुकूमत को दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए भरोसेमंद काबिल एतबार हुकूमत के जो गवर्नर्स हैं उन वो होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, इट शुड बी आल्सो दी इसको भी कंसोलिडेट होस बनाना होगा रदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, और हुकूमत अमरा का तरफ यानी कि एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है एंड लैंडेड शिफ्ट एज ए गवर्नर, और जो सरदार मतलब जो जमीन पे जितना काम काज कर रहे थे या जमीनों के या अलग अलग एरियाज के जो सरदार जो है ये मजबूती की तरफ जो है सल्तनत को नहीं लेगी। फेवरेट देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिल्ट्री सर्विस कार्ड द, जिनको उन्होंने क्या कहा, बंदा गान कहा इन द पर्शन, और वो लोग उन्होंने क्या लाए थे जो उनके फेवरेट थे, जो स्पेशल स्लेव्स थे जिनको उन्होंने मतलब परचेज फॉर द मिल्ट्री सर्विस के लिए उन्होंने चेज करा था यानी कि गुलामों को मिलिट्री सर्विस के लिए फौज में दाखिल करने के लिए सिपाही बना लेकर उनको खरीदा गया था, और जिनको जो है पर्शियन में बंदागान कहा गया है, देवर केयरफुली ट्रेंड, उनको ट्रेन किया गया टू मैन सम सिंपली तौर पर आप यहाँ पे यही समझिए कि जो बंदगान जो थे, जो उन जिन लोगों को उन्होंने स्लेव्स बनाया था उन्हीं को उन्होंने क्या करा, देवर उनको मिलिट्री सर्विस के लिए उन्होंने उनको लाया गया था, और उसके बाद देवर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस के लिए उनको तैयार किया गया अपने किंगडम के, और कुछ लोग जो उनमें थे जो बंदगान जो थे जो स्लेव जो थे, सिंस देवर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर, और वो जो हैं मतलब अपने ही उस्तादों पर जब तक वो यकीन करते थे, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, और जब तक वो जो हैं सुल्तान क्या करते थे, जब तक वो डिपेंड थे मास्टर पे, वो पूरी तौर पर क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे, सुल्तान उस पर उनके ऊपर ट्रस्ट करता था और जो कुछ भी था उन पर भरोसा किया जाता था। सिंपली आप यहाँ पर यही समझना कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी में क्या करा था, अब यहाँ पर वो लोग थे जिन लोगों को ज़मीनें देते थे या जो एरिस्टोक्रेट
प्रेस थे या वो चीफ्टन्स को बनाते थे, लेकिन उन्होंने जो है अब जो बंदगांज थे जो बाहर के लोग उन्होंने अपने जंगों में उनको गुलाम बनाया था, उनको ही उन्होंने जो है पॉलिटिकली तौर पर ऑफिस में रखा गया, उनको ही उन्होंने क्या करा अपने कामकाज उनको ही संभालने के लिए उनको ही रखा। उसके बाद द खिलजी एंड द तुगलुक कंटिन्यू टू used bandgan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. आप देख लीजिए तो खिलजीज और तुगलक की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने करा जो ये बंदगान जो थे जो slaves थे और उसके अलावा वो humble वो also raised people of humble birth और जो हैं वो humble birth के जो लोग होते थे उनको भी उन्होंने बढ़ाया and who were often their clients और जो उनके ग्राहक होते थे a high political position उनको दी गई। दे वर अपॉइंटेड एज ए जनरल एंड गवर्नर्स और किनको जो बंदगांज जो थे या उसके अलावा हम्बल बर्थ जिनको होती थी या उनके क्लाइंट्स जो होते थे उनको ही जो है पॉलिटिकल पोजीशन दी गई और उनको ही अपॉइंट किया गया जनरल और जनरल्स और गवर्नर्स उनको अपॉइंट करा गया। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इसी की वजह से जो है नापायदार जो सियासी तौर पर ये एक एलिमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर रॉयल टू देयर मास्टर और स्लेव और जो क्लाइंट्स जो थे जो गाहक थे ये अपने मास्टर की तरफ क्या थे काफ़ी वफादार थे एंड पैटर्न्स और वो उसके सरपरस्ती में सब कुछ कामकाज या सब कुछ करते थे लेकिन एज ए बट नॉट टू देयर हेयर्स, लेकिन जो उनके वारसी और जो हकदार होते थे उनको नहीं वो जो है बट नॉट टू देयर हेयर्स लेकिन उनको विरासत वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट और नए जो गुलाम उनके न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट और नए जो सुल्तान उन्होंने बनाए उनके सर्वेंट्स होते थे। एज ए रिजल्ट द एक्सेशन आप ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। अब देख लीजिए ऊपर जो अगर हम देखेंगे वो जो है वो उन लोगों को पोजीशन पे बनाए जो हम्बल फैमिली से हैं अपने क्लाइंट्स को और बंदगान को उन्होंने बनाए, लेकिन जो लोग यहाँ पे क्या है जो विरासत के जो लोग मतलब जो मान लो जो खिलजी डायनेस्टी है से है या तुगलुक का बेटा था या किसी क्या कहते हैं रजा सुल्तान का था या अल्तमुश का था या कुतुबुद्दीन अबेद का था उनको नहीं वो गद्दियों पर बिठाने लगी और ये भी एक बहुत वो नयों को ही मतलब न्यू सुल्तान्स उन्होंने अपॉइंट करे और उन्होंने क्या करा उनको ही सर्वेंट बनाने लगे और ये जो था न्यू मोनार्क के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट वजूद में आ गया ओल्ड और न्यू के दरमियान में जो न्यू नोबिलिटी थे जो नए शराफतकार जो थे जो नए लोग जो थे जो गद्दियों पर बैठ रहे थे उनके और पुराने में जो वारसे में उनको जो है मतलब ये क्या कहते हैं बातचीत मिली थी उनको और इनके दरमियान में काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो गया। द पेट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाई द डेली सल्तनत आल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज द डेली सल्तनत फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बर्न टू हाई ऑफिस। अब देख लीजिए चाहे वो हिस्टोरियंस की बात करेंगे एलाइट्स पीपल की बात करेंगे जो लोग तारीख लिखते थे हम्बल पीपल थे और मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज करा जब उन्होंने लो और बेस बर्न के लोगों को जो है हाई ऑफिसेस में दिल्ली सल्तनत ने क्या करा अपॉइंट करा। उसके बाद आप लोग देख लिए लाइक द अर्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे अर्ली सुल्तान्स की अगर हम बात करेंगे द खिलजी एंड तुगलुक की बात करेंगे मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज ए गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ द वेरिंग साइज। आप देख लीजिए खिलजी और तुगलुक की डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे मिलिट्री को जो मोनार्क्स जो थे जो बादशाह होते थे वो किन को अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर्स को वो टेरिटरीज देते थे उनको उनका गवर्नर बनाया जाता था। दीज लैंड्स वर कॉल्ड एकता। अब देख लीजिए जिस एरिया पे वो लोग हुकूमत करते थे या जो जिस एरिया का उनको इंतखाब करा जाता था जहाँ पे उनको हुकूमत कमांडर बना के भेजा जाता था उस एरिया को कहा जाता था एकता सिस्टम। तो एकता सिस्टम जो है वो तुगलुक या हम क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत के दौर में तुगलुक या खिलजी के दौर में आया है। एंड दियल होल्डर्स वॉज कार्ड इकतदार यानी कि जो कमांडर्स होते थे जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे उनको इकतदार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। हु वर मुक्ति एंड इकतदार मुक्ति एंड इकतदार आर दोज
मिलिट्री कमांडर्स दे हैव गिवन लैंड बाय द सुल्तान्स, और उसी को वो लोग क्या कहते थे, एकता कहते थे, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज। अब ये इक्तदार वाले जो थे या गवर्नर्स या जो थे ये कमांडर्स जो थे जो सब ऑर्डिनेट जो सल्तनत के थे, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स। उनको क्या करना था, उन्होंने जंगों में मिलिट्री की जो रहनमाई करनी थी, जंगों में जो है मिलिट्री की रहनमाई करनी थी, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एकताज, और एकताज के उन्होंने कानून कवायद को जो है मेंटेन रखना था, इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस। अब मिलिट्री सर्विस के बजाय उनको क्या, इसके बदले में उनको क्या मिलता था, द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज ए सैलरी। आप देख लीजिए जहाँ पे उनका एकता सिस्टम था, जिस एरिया में वो लोग जो रह रहे होते थे वहाँ से वो लोग रेवेन्यू टैक्स जो है हासिल करते थे, और उनको जो है उनके काम के बदले में उनको सैलरी दी जाती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्राम दिस रेवेन्यूज, और उसी में वो सोल्जर्स को भी जो है तनख्वाह उसी रेवेन्यू में देते थे। कंट्रोल आवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड एकताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। अब देख लीजिए कंट्रोल मुक्तीज के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव था, लेकिन अगर वो ऑफिस जो है उनके इनहेरिटेबल नहीं थे, उनके विरासत में वो जो है ऑफिस नहीं थे, वो जगह नहीं थी, तो उनको जो है अगर वो एकताज को जो है असाइंड कोई भी वो काम उनको देते थे शॉर्ट पीरियड में, उनके लिए काफ़ी वहाँ से शिफ्ट करना या उसको जो है मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। दीज हैर्स कंडीशन ऑफ सर्विस वर रेगुलरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रैंक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलुक के दौरान में ये काफ़ी सख्ती तौर पर जो है सर्विसेज को इम्पोज करा गया, काफ़ी तौर पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलुक के दौरान में। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। आप देख लीजिए अकाउंटेंट्स को जो है मुंतखब करा गया, उनको अपॉइंट करा गया कि वो मुक्तीज के जो इक्तदार जिनको दिया गया था, जो एकता सिस्टम के जो ऊपर थे, उनको जो है पूरी तरह से जो कमांडर थे उनसे हिसाब किताब लिया जाए। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। अब जो मुक्तीज होते थे उनको सिर्फ टैक्सेस को ही जो प्रिस्क्राइब करा गया था, मुकर्रर किया गया था, मायना किया गया था, वही उनको जो है हासिल करना था, और उसके अलावा जो स्टेट वगैरह होते थे उनको रिक्वायर्ड थे, बाकी जो भी सोल्जर्स होते थे दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर, और जो उनको जो है जितने सोल्जर्स की जरूरत होती है वही वो लोग करते थे। एज द दिल्ली सल्तनत ब्रॉड द इनहेरिटर लैंड, आप देख लीजिए सॉरी यहाँ पे देख लीजिए एज द दिल्ली सल्तनत ब्रॉड द हिंटर लैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, और जैसे वो हिंटर लैंड क्या था अभी हमने पढ़ा था, हिंटर लैंड वो लैंड होती है द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी आर ए पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड द सर्विस, और जो हिंटरलैंड वो होती थी जो साहली इलाकों पे रखी गई थी, जहाँ पे वो लोग जो हैं किनकी गुड्स चीज़ों और सर्विसेज की जहाँ पे जो है सप्लाई वहाँ से होती थी, उनको जो क्या करा दिल्ली सल्तनत सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, उनको अपने साहली इलाकों को अपने कंट्रोल में रखा, दे फोर्सड द लैंडेड चीफटेन, और जो उस जो एरिया जो वहाँ के जो ज़मीनों के जो सरदार थे उनको कहा जाता था समंताज एरिस्टोक्रेट उनको कहा जाता था, एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और जो रिच लैंडलॉर्ड जो वहाँ के थे जो जिम्मेदार थे जो ओनर ऑफ द लैंड थे उनको भी अथॉरिटी दी गई थी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। आप देख लीजिए अलाउद्दीन के खिलजी के दौरान में ये तमाम असेसमेंट में जो काम जो था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का जो वो लोग कर रहे थे ये पूरी तरह से जो है कंट्रोल में अपने में लाया गया। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेन जो मकामी जो सरदार थे उनके ऊपर टैक्सेस को जो है वो कैंसल्ड करा गया, और दे वर आल्सो फोर्सड टू पे टैक्स, तो उनसे भी जो है टैक्स लिया जाने लगा। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड कैप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे इंतजामिया थे वो पूरी तरह से ओवरऑल पैमाइश लैंड की करते थे, और पूरी तरह से वो जो है ओवरऑल केयर अच्छी तरह से वो जो है मेंटेन करके अकाउंट्स रखते थे। सम ऑफ द ओल्ड चीफटेंस एंड द लैंड लॉर्ड्स सर्विड द सल्तनत सुल्तानेट एज ए रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एक्सेजर, जो पुराने उसके सरदार थे या लैंड लॉर्ड्स थे वो एज ए उसने रेवेन्यू कलेक्टर्स रखे थे, और वही जो थे मुकर्रर करे थे टैक्स जो हासिल मुकर्रर करे थे
टैक्स हासिल करने के लिए। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तीन तरह के टैक्सेस दिए जाते थे उस दौर में। ऑन द कल्टिवेशन कॉल था, जिसको हम कहते हैं खर्च। खर्च क्या था? टैक्स जो लोग वो जो है कल्टिवेशन पर देते थे। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट प्रोड्यूस, यानी कि 50% पेजेंट्स को जो है उससे जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करते थे फसल, 50% जो है हुकूमत को मतलब उनको जो है एज ए टैक्स दिया जाना पड़ता था। ऑन कैटल्स पे टैक्स लगाया गया था। सेकंड वन इज आवर ऑन, किन के ऊपर टैक्स, किन के ऊपर? कैटल्स के ऊपर और हाउसेस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता। तीन तरह के जो टैक्स दिए जाते थे। और जो कल्टीवेशन लोग करते थे, जो कल्टीवेटर्स जो लोग किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, उस सिस्टम को, उस टैक्स को खारिज कहा जाता है। और 50% फसल जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो उनको किनको देनी पड़ती थी? वो रूलर्स को देनी पड़ती थी। उसके अलावा दूसरा टाइप जो था वो कैटल्स के ऊपर, जो मवेशी उनके होते थे उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। उसके अलावा थर्ड वन इज ऑन दी हाउसेज। उसके बाद देख लीजिए आप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। आप देख लीजिए, अक्सर जो आप इस बात को याद, ये वो बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बात को याद भी रखना है, क्योंकि लार्ज पार्ट जो इस एरिया का था, जो बर आज़म का था, ये जो बाकी रहता था वो आउटसाइड ऑफ दिल्ली के ही मतलब सुल्तानों के कंट्रोल में रहता था। इट वॉज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोवेंसेज लाइक बंगाल फ्राम दिल्ली एंड सोन आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया। तो अजाफी तौर पर शामिल करना, यानी कि साउथ इंडिया को शामिल करना, ईस्ट यानी कि वेस्ट की तरफ जो है बंगाल को जो है अपने कंट्रोल, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल हो जाता था दिल्ली से कंट्रोल करने में। द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, और ये एरिया जो है अगर हम करेंगे साउथ इंडिया की बात करेंगे, बंगाल, ये क्या हो गए? ये इंडिपेंडेंट हो गए। इवन इन द गंगटिक प्लेन, जो हमारा गंगटिक प्लेन एरिया जो है, जो गंगा के एरियाज जो हैं, वर फॉरेस्ट एरियाज, वो क्या थे? वो फॉरेस्ट एरियाज थे। और वहाँ पे इन्होंने क्या करा था? फॉरेस्ट एरियाज दैट सुल्तानेट फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, जिनमें जो है सुल्तान की फौजों को घुसने नहीं दिया जाता था। लोकल चीफटेन एस्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन, तो इन एरियाज में कौन लोग करते थे? जो लोकल सरदार वहाँ के थे। समटाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट डोरशन। कुछ वक़्त के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन जो मकामी वहाँ पे बाकी जो चीफटेन जो मतलब जो लोकल वहाँ के सरदार, तो इनको कंट्रोल में तो लाया, लेकिन काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए ही अपने कंट्रोल में लाया। उसके बाद आप देख लीजिए, द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रोनोजेना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट। अब देख लीजिए, गजबनाक हमला जो है चंगेज़ खान ने 1219 में करा और दिल्ली पे करा, और ये गजबनाक क्या था? हमला था जो तजावीज़ कर गया चंगेज़ खान ने, जो किसके ऊपर? दिल्ली सल्तनत के ऊपर करा, एक गजबनाक हमला था। उसके बाद मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली पर भी उन्हें हमला करा। सुल्तानेट इंक्रीज ड्यूरिंग द रेंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोल्स ने, चंगेज़ खान ने हमला करा। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल, और अर्ली पीरियड तुगलक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में तो हमला करा ही है किसने? मंगोल्स ने, चंगेज़ खान ने, लेकिन इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के मोहम्मद तुगलक जो था उसके दौर में भी अर्ली पीरियड में जो है हमले हुए हैं मंगोल्स के। दिस फोर्सेस द टू रूलर्स टू मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अब देख लीजिए, अब ये दोनों जो रूलर्स हैं, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जो है, अब इन्होंने क्या करा? हरकत में लाया, हरकत में तमाम फौज को लाया, उनको इकट्ठा करा ताकि वो जो है ये जो दिल्ली जो है इसको पोज अंदाज़ा किया जाए, ओवरऑल जो भी चैलेंजेस उसको सामने आ रही उनको पूरी तरह से जो है नोटिस किया जाए। लेट अस सी हाउ टू सुल्तान डील विद दिस। अब देख लीजिए किस तरह, आप लोगों ने क्या देखा, जो मंगोल्स जो थे वो उन्होंने किस तरह से हमला करा चंगेज़ खान ने 1219 में, और किस तरह से यहाँ की जो दिल्ली सल्तनत से उसका जो है तख्त व ताज हिल गया। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स, अब मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स के होने के बाद आपने देखा अर्ली स्टेज में कौन
मंगोल के साथ सामना कर रहा था वो था मोहम्मद तुगलक। लेकिन मोहम्मद तुगलक के बाद फेलियर्स जैसे हो गए समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत। अब देख लीजिए तुगलक जैसे फेलियर हो गया और कुछ वक़्त के लिए ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो हैं हिस्ट्री ऑफ सल्तनत को भूल गए। उसके बाद आप लीजिए दिल्ली सुल्तान प्लान्ड ए कैंपेन। अब दिल्ली सुल्तानत ने अलग से जो है जंगू की एक कैंपेन जो है टू कैप्चर द मंगोल्स टेरिटरी, उन्होंने जो है एक कैंपेन शुरू करी, कैंपेन का जो है एक जंग का जो है पूरी तरह से उसका जो है प्लान बनाया, मंसूबा बनाया कि किस तरह से हम मंगोल्स को जो है इस जंग के द्वारा जो है उनको जो है उनकी टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने तो थोड़ा बहुत करा ही था, लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था, क्या मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी मेजर्स लिए, काफ़ी जो अलाउद्दीन खुद अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने जो कुछ भी करा डिफेंसिव मेजर्स उसने लिए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काफ़ी तौर पर मिलिट्री को जो है उनको जारहाना एकदम जो है अगेंस्ट किसके उठाए, मंगोल्स के खिलाफ उठाए और पूरी तरह से ख्याली तौर पर जो है उनको हराने की कोशिश की। कौन किसने करी थी, मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी एकदम जो है मंगोल के खिलाफ उठाई थी उनकी मिलिट्री को हटाने के लिए हराने के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए द सल्तनेट इन द 15 एंड द 16 सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो सल्तनत क्या थी। आप देख लीजिए टेक ए लुक एट द टेबल वन अगेन यू विल नोटिस दैट आफ्टर तुगलक के बाद द सईदीज एंड लोदी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। अब मैंने आपको पहले बताया था एक मतलब एक 13 सहारा लोदी, इसमें हमने ये देखा अलबरी डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आपका जो है तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सईदी डायनेस्टी, उसके बाद लास्ट वन इज आर लोदी डायनेस्टी जो है 1526 में होती है। बाई देन जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश्ड फ्लॉरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल। आप देख लीजिए ये जो बाकी गुजरात की बात करेंगे राजस्थान ये जो थे ये इंडिपेंडेंट रूलर्स वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उन वो भी काफ़ी खुशहाल और काफ़ी उनकी जो कैपिटल जो थी मतलब अच्छी तरह से उन स्टेट में रह रहे थे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच साज द एमरजेंस ऑफ ए न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। और ये पीरियड 15 और 16 सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे इसमें नए रूलर्स जो है नए बादशाह वजूद में आ गए, उनकी आमद हो गई जो क्या थे अफगानी थे और राजपूत थे। सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिशिंग इन दिस पीरियड वर समाल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेट। लेकिन कुछ जो थे कुछ स्टेट जो है जो एस्टेब्लिश करे थे वो छोटे थे, लेकिन कुछ जो है पावरफुल और एक्सट्रीमली वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट थे। लेकिन शेर शाह सूरी जो था जो अफगान से बिलोंग कर रहा था 1542-1545 में क्या होता है उस दौरान यहाँ पे जो होता है मुगल सल्तनत चल रही होती है, लेकिन हुमायूं को वो क्या करता है उसको काफ़ी तौर पर दो तीन लड़ाइयों में जो है उनको उसको हराता है और उसको शेर शाह सूरी का यहाँ पे जो है अपना दावा बोलता है। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर, वो एज ए मैनेजर था लेकिन समाल टेरिटरी पे वो अपने अंकल जो थे वो बिहार में रहता था, लेकिन एंड इवेंचुअली आखिरकार चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं को उसने जो है 1530 से लेकर 1540 टू उसने जो है काफ़ी तौर से जो है हुमायूं को उसने मतलब डिफीट हराया और 1555 में और 1555 टू 1556 में वो फिर वापस आते हैं। और कौन आता है यानी कि हुमायूं आता है वापस, उसके बाद शेर शाह जो है वो कैप्चर्ड करता है अपने कब्जे में लेता है दिल्ली को एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह अपनी डायनेस्टी 1530 से लेकर 1540 तक करता है। आल दोस द सुर डायनेस्टी इसको कहा जाता है रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स ही ये करते हैं 1540 से लेकर 1555 यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक जो है सुर डायनेस्टी जिसका शेर शाह सूरी को जो हम कहते हैं इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उससे लिए गए थे एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, काफ़ी इसको मजबूत बनाया गया था। एंड शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाई द ग्रेट एम्पायर अकबर। तो उसके बाद शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलोड किसने करा, अकबर ने करा व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। अब देख लीजिए सिंपली मैं आपको बताऊंगा, वी हैव डिस्कस अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड आई हैव क्लारीफाई यू दैट द दिल्ली सल्तनत पीरियड जो होता है वो स्टार्टेड होता है आपका डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस हैज़ बीन स्टार्टेड द पीरियड फ्रॉम 1206 AD टू
1526 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री एज ए सल्तनत ऑफ द दिल्ली पीरियड, इसको कहा जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आवर 300 ईयर्स जो है फाइव डायनेस्टीज आती है जिसमें मैंने आपको क्या कहा था और 32 किंग्स आते हैं जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, एक मंत्र बताई थी, 13 सहारा लोदी, अलबरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईदी डायनेस्टी एंड लोदीज डायनेस्टी आती है। और ओवरऑल आपने देखा कि वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी आई क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन, यू कैन कमेंट मी इन माई कॉमेंट बॉक्स एंड इन द एंड आई हॉटली रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आगे जाकर मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।